तो कैसे हो बच्चों? मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं श्री राम ऑनलाइन क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं, अगले लेक्चर की तरफ। पीछे हम सॉलिड्स की सॉल्युबिलिटी पे बात कर चुके हैं, गैसेस की सॉल्युबिलिटी पे बात कर चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है लिक्विड सॉल्यूशंस। तो लिक्विड सॉल्यूशंस आप जानते ही हैं क्या है। ऐसे सॉल्यूशंस जिनमें सॉल्वेंट है वो लिक्विड फेज में होना चाहिए, ऐसे सॉल्यूशंस को हम लिक्विड सॉल्यूशंस कहेंगे। तो सबसे पहले मैं एक वर्ड यूज करना चाहूंगा, वो वर्ड है, वोलेटाइल सब्सटेंसेस। तो देखिएगा, वोलेटाइल सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? ऐसे सब्सटेंस जो जिनको हम टेम्परेचर दें और वो वेपर फेज में आ जाए, ऐसे सब्सटेंस को हम वोलेटाइल सब्सटेंस कहता है। जैसे आप डेली लाइफ में फील कर सकते हैं, जैसे गर्ल्स जो नेल पेंट को रिमूव करने के लिए जो रिमूवर यूज करती हैं, वो एक वोलेटाइल सब्सटेंस है। आप देखते हैं कि जैसे ही हम नेल्स पे लगाते हैं उस रिमूवर को, तो थोड़ी देर बाद वो ऑटोमेटिक ही रूम टेम्परेचर पे हवा में उड़ जाता है, वो वेपर फेज वेपर्स बना के उड़ जाता है। जैसे आपने दूसरा एग्जांपल देखा होगा, जो व्हीकल्स में पेट्रोल या डीजल हम फिलअप करवाते हैं, तो जो पेट्रोल या डीजल है वो भी वोलेटाइल होते हैं। अगर हम किसी पेट्रोल को बोतल में लाते हैं और उस बोतल का ढक्कन खुला छोड़ देंगे, तो वो जो पेट्रोल है थोड़ी देर बाद एटमोसफियर में वेपर के फॉर्म में है, वो उड़ने लगता है। तो वोलेटाइल सब्सटेंस क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो जो थोड़े से टेम्परेचर पे या जिनको हम टेम्परेचर दें तो वो वेपर फेज में जो है उड़ने लगे या वेपर फेज बने, वेपर फेज में आ जाए, ऐसे सब्सटेंस को हम वोलेटाइल सब्सटेंस कहते हैं। दूसरा जो वर्ड है जिससे मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने जाऊंगा वो है वेपर प्रेशर। देखिएगा जी, इस चैप्टर में वेपर प्रेशर है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। नाम से क्लियर है, वेपर और प्रेशर, मतलब वेपर जो प्रेशर बनाएगी उस प्रेशर को हम क्या कहेंगे? वेपर प्रेशर। देखिएगा, डिटेल में बात करते हैं। वेपर प्रेशर जिस प्रोसीजर के कारण क्रिएट होता है उस प्रोसीजर का नाम है इवेपोरेशन। देखिएगा, वेपर प्रेशर जिस प्रोसीजर के थ्रू क्रिएट होता है उस प्रोसीजर का नाम है इवेपोराइजेशन। इवेपोराइजेशन का सीधा सा मतलब है भाप बनाना, वेपर्स बनाना। जैसे आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो समुंदर होता है उसकी सरफेस पर लाइट पड़ती है तो जो वेपर्स बनती हैं पानी की, वो थ्रू द इवेपोरेशन बनती है। तो इवेपोराइजेशन है वो, इवेपोराइजेशन का सीधा सा मतलब है कि वेपर्स क्रिएट करना, टेम्परेचर लेके जो है भाप बनाना, वेपर्स का बनाना, उसको कहते हैं हम इवेपोराइजेशन। तो देखिएगा, मैं एक एग्जांपल से लेके चलता हूं कि इवेपोराइजेशन क्या होता है। तो चलिएगा, देखिएगा इवेपोराइजेशन क्या क्या होता है, देखते हैं। जैसे देखिएगा, मेरे पास एक ये कंटेनर है, इस कंटेनर में ये हाफ फील है, आधा भरा हुआ है। इस कंटेनर में मैंने एक सोलवेंट ले रखा है, कोई एक प्योर सोलवेंट ले रखा है, वो है ए। तो इस सोलवेंट में दो तरह के मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल जो कि इस सोलवेंट की सरफेस पे है और दूसरे तरह के मॉलिक्यूल्स जो इस सॉल्वेंट की बल्क में। ये वाले जो मॉलिक्यूल हैं वो सरफेस के मॉलिक्यूल हैं और ये वाले जो मॉलिक्यूल हैं वो बल्क के मॉलिक्यूल हैं। तो जो ये सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं इन पर नजर डालता है और जो ये बल्क के मॉलिक्यूल्स हैं इन पर नजर डालता है। देखिएगा क्या है, जो बल्क का मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल को उसके पास के मॉलिक्यूल हैं वो सभी तरफ से अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब बल्क के मॉलिक्यूल पे चारों तरफ के डायरेक्शन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो लग रहा है। तो बल्क के मॉलिक्यूल पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है
उसकी वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है। जबकि मैं सरफेस के मॉलिक्यूल पे बात करूं तो सरफेस के मॉलिक्यूल को सिर्फ नीचे वाले और साइड वाले मॉलिक्यूल ही है, वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, ऊपर की तरफ कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है। तो जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं उन पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी वैल्यू कम होती है कंपेयर टू जो बल के मॉलिक्यूल हैं उनसे। तो पहला जो आप फैक्टर देख रहे हैं या जो पहली आप कंडीशन देख रहे हैं कि जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसका वैल्यू है वो बहुत कम है। मतलब ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो लूजली जो है वो बाइंडेड है, इन पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वैल्यू है वो बहुत कम है। और दूसरी बात आप ये ध्यान रखेंगे कि जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, जो सरफेस पे लाई करने वाले मॉलिक्यूल्स हैं, उन मॉलिक्यूल्स के पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है उस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी बहुत ज्यादा होती है। तो इस काइनेटिक एनर्जी के कारण जो सरफेस के मॉलिक्यूल है वो सरफेस पे वाइब्रेट करते रहते हैं, और ड्यू टू वाइब्रेशन या ड्यू टू मोर काइनेटिक एनर्जी एंड ड्यू टू लेस फोर्स ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन है उसका वैल्यू कम होने से और काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू ज्यादा होने से इन जो सरफेस के मॉलिक्यूल की जो टेंडेंसी है वो वेपोराइज होने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। ये सरफेस के मॉलिक्यूल हैं वो इस लिक्विड की सरफेस को छोड़ने की बहुत ज्यादा टेंडेंसी रखता है, और इसीलिए जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो धीरे धीरे यहां से इवेपोरेट हो जाते हैं और वेपर की फेज में इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाते हैं। अगर मैं पहली कंडीशन की बात करूं कि अगर ये जो हमारा कंटेनर है ओपन कंटेनर हो तो कुछ नहीं होगा, सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो इवेपोरेट होके वेपर के फॉर्म में एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाएंगे। धीरे धीरे जो ये कंटेनर है, इस कंटेनर में इस लिक्विड का जो मास है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, क्योंकि जो सरफेस के मॉलिक्यूल हैं वो लगातार इवेपोरेट हो रहे हैं वेपर के फॉर्म में और लगातार इन्वायरमेंट में है वो रिलीज हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं इस कंटेनर को बंद कर दूं, अगर ये कंटेनर है वो हमारे पास क्लोज कंटेनर हो, तो देखिएगा क्या सीन रहता है। आप डेली लाइफ में इसको कोरिलेट कर सकते हैं। जैसे आपके पास पानी की एक बोतल है, पानी की एक बोतल को आपने धूप में रख दिया है, तो अगर पानी की बोतल आधी भरी हुई हो तो पानी एक वोलेटाइल सब्सटेंस है, पानी जो है उसको टेम्परेचर देंगे तो पानी है वो वेपर्स क्रिएट करता है। अगर पानी की बोतल को आपने धूप में रख दिया है तो आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि जो पानी की बोतल ऊपर से जो खाली है उस खाली बोतल पे आपको पानी के ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे। तो देखिएगा क्या है, अगर ये कंटेनर हम क्लोज कर दें, ऊपर से ये कंटेनर है इसको ढक दें, अगर ये कंटेनर क्लोज हो तो जैसे ही इस जो वोलेटाइल सब्सटेंस है, वोलेटाइल जो लिक्विड हमने लिया है, वो लिक्विड जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा लेगा तो इसकी सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपर बनाना स्टार्ट करेंगे, इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अब वेपर के पास जो इन्वायरमेंट है उसमें एस्केप होने की जगह नहीं है, जो वेपर है वो एनवायरमेंट में एस्केप नहीं हो सकती है। जो वेपर है वो इस कंटेनर की वॉल से टकराएगी, जो वेपर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास जो काइनेटिक एनर्जी है, जैसे ही वो मॉलिक्यूल्स इस कंटेनर की दीवार से टकराएंगे तो वो मॉलिक्यूल अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज कर देंगे, और काइनेटिक एनर्जी कम होने के कारण जो ये वेपर है वो वापस कंडेंसेंस होना स्टार्ट हो जाएगी, वापस इस लिक्विड में बदलना स्टार्ट हो जाएगी। अब वो पानी की बोतल इमेजिन करिए कि पानी की बोतल में जैसे ही आपने पानी की बोतल को धूप में रखा तो पानी से वेपर्स बनने लग गई, लेकिन जब आप धूप से उस बोतल को उठा लाए तो जो वेपर है वो पानी की बोतल की दीवारों से टकराने लगी, और जैसे ही वो वेपर ठंडी हुई तो ठंडी होने के कारण वेपर का कंडेंसेशन हो गया, और ड्यू टू कंडेंसेशन वो वेपर है वो वापस लिक्विड में बदलने लग गई, और वो लिक्विड की जो ड्रॉपलेट्स हैं, जो लिक्विड की बूंदे हैं, वो आपको उस बोतल की सरफेस पे दिखाई देती हैं। तो जैसे ही ये वेपर्स हैं इस कंटेनर की दीवार से टकराएंगी तो शुरू में रेट ऑफ
इवेपोराइजेशन है वो ज्यादा होता है, और जो रेट ऑफ कंडेंसेशन है, कंडेंसेशन का मतलब इस वेपर का वापस लिक्विड में बदलना, रेट ऑफ कंडेंसेशन है वो धीरे होता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जो रेट ऑफ इवेपोराइजेशन है वो जस्ट इक्वल हो जाता है रेट ऑफ कंडेंसेशन के, कि जितना ये लिक्विड वेपर में बदल रहा है उतनी वेपर वापस लिक्विड में बदल रही है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस लिक्विड में और जो लिक्विड के ऊपर वेपर है, उस लिक्विड और वेपर में एक डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट हो जाता है। जितना लिक्विड वेपर में बदलेगा उतना वेपर लिक्विड में लगातार बदलता रहेगा, एक इक्विलिब्रियम एस्टाब्लिश हो जाता है। लगातार जो लिक्विड है वो वेपर में बदल रहा है और जो वेपर है वो लिक्विड में बदल रही है। यहां हम देखेंगे कि ये जो वेपर है, ये जो वेपर है किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो वेपर इस लिक्विड के ऊपर बन रही है, ये वेपर इस लिक्विड पे जितना प्रेशर क्रिएट करेगी उस प्रेशर को ही हम वेपर प्रेशर नाम देते हैं। दोबारा सुनिएगा कि हमने अभी देखा कि टाइम के साथ रेट ऑफ इवेपोराइजेशन है और रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाता है। मतलब जो लिक्विड है जितना वेपर में बदल रहा है वो वेपर वापस रिवर्स लिक्विड में बदलती है, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम है वो एस्टाब्लिश हो जाता है लिक्विड और वेपर में। इस इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जो ये लिक्विड है, इस लिक्विड की सरफेस पे जो वेपर प्रेजेंट है, क्योंकि वेपर एक गैस फॉर्म है और गैस आप जानते हैं प्रेशर लगाएगी, तो ये जो वेपर या ये जो गैस है इस लिक्विड की, वो गैस उस कांस्टेंट टेम्परेचर पे इस लिक्विड की सरफेस पे जो प्रेशर अप्लाई कर रही है, इसी प्रेशर को हम वेपर प्रेशर नाम देते हैं। तो वेपर प्रेशर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस और वेपर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम स्टेट, दैट प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। दोबारा देख लीजिए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर अबो द सरफेस ऑफ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, दैट प्रेशर इज नोन एज वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर का मतलब समझ में आ गया होगा कि जब हम इक्विलिब्रियम की बात करें, जब हम क्लोज कंटेनर की बात करें, तो क्लोज कंटेनर में इक्विलिब्रियम कंडीशन पे एक कांस्टेंट प्रेशर पे, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे उस लिक्विड की सरफेस पे जो वेपर प्रेशर एक्सर्टेड करती है, उसी प्रेशर को हम वेपर प्रेशर कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये वेपर प्रेशर की डेफिनेशन थी, कैसे वेपर प्रेशर क्रिएट होता है और किस तरह वेपर प्रेशर का प्रोसीजर रहता है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम चलते हैं कि जो किसी भी जो कोई भी सॉल्वेंट है या कोई भी वोलेटाइल जो सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस का जो वेपर प्रेशर है वो किन किन फैक्टर से अफेक्टेड होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि वेपर जो प्रेशर है, उस वेपर प्रेशर को अफेक्टेड करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो हम वो फैक्टर्स पढ़ेंगे जो वेपर प्रेशर को अफेक्टेड करता है। देखिएगा, मैं उन फैक्टर्स पे बात करता हूं। जैसे पहले फैक्टर का बात करते हैं, तो पहला फैक्टर है वो है नेचर ऑफ सबस्टांस, कि उस सबस्टांस का नेचर कैसा है उस पर डिपेंड करता है वेपर प्रेशर। देखिएगा, जैसे आप एक बोतल में पानी इमेजिन करिए और एक बोतल में पेट्रोल इमेजिन करिए, तो दोनों अलग अलग सब्सटेंस है, लेकिन पानी के इवेपोरेट होने की टेंडेंसी है वो कम है। मतलब पानी है
उसका वेपर प्रेशर कम है, जबकि पेट्रोल है उसके इवेपोरेट होने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो अगर हम किसी कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करेंगे तो उस कांस्टेंट टेम्परेचर पे पानी का जो वेपर प्रेशर होगा कम होगा, क्योंकि पानी की टेंडेंसी इवेपोरेट होने की कम है, जबकि जो पेट्रोल है उसके इवेपोरेट होने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो जो पेट्रोल है उसका वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर बात करूं, जैसे CH3O, ये मेरे पास ईथर है, और मैं दूसरा एग्जाम्पल लूं C2H5OH, ये है इथाइल अल्कोहल, ये डाइमिथाइल ईथर है और ये है इथाइल अल्कोहल। तो अगर हमसे पूछा जाए कि इन दोनों में से किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो देखिएगा जो इथाइल अल्कोहल है उसका वेपर प्रेशर है वो बहुत ज्यादा होगा। रीजन क्या है, जो इथाइल अल्कोहल है जो ईथर है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, इथाइल अल्कोहल का वेपर प्रेशर है वो कम होगा। रीजन क्या है, इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल आपस में एच बॉन्डिंग कर लेते हैं, जबकि जो ईथर है उसके मॉलिक्यूल है वो एच बॉन्डिंग नहीं कर पाते हैं। तो एच बॉन्डिंग करने से जो अल्कोहल के मॉलिक्यूल हैं आपस में उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, उनके इवेपोरेट होने की टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। जबकि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कम है, मतलब ईथर के मॉलिक्यूल की इवेपोरेट होने की टेंडेंसी है वो ज्यादा है। तो ईथर के मॉलिक्यूल ज्यादा इवेपोरेट होंगे, मतलब ज्यादा वेपर प्रेशर कॉज करेंगे, जबकि जो अल्कोहल है उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो कम इवेपोरेट होंगे और जो वेपर प्रेशर है वो कम कॉज करेंगे। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो वेपर प्रेशर है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। जिन मॉलिक्यूल्स में इंटरमोलिक्यूल, जिन सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स में इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, उन मॉलिक्यूल्स या वो सब्सटेंस है वो ज्यादा वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा, जबकि जिनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है वो कम वेपर प्रेशर क्रिएट कर पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, हम देखेंगे कि जो सब्सटेंस हैं वो दो तरह की नेचर के होते हैं। एक तरह के सब्सटेंस होते हैं जिनको हम बोलते हैं वोलेटाइल सब्सटेंस, और दूसरे तरह के सब्सटेंस होते हैं जिनको हम बोलते हैं नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। तो जितने भी जो सॉलिड सब्सटेंस हैं उनको नॉन वोलेटाइल कंसीडर किया जाता है, और जितने भी लिक्विड सब्सटेंस हैं उनको वोलेटाइल कंसीडर किया जाता है। जैसे हमारे सिलेबस में देखिएगा यूरिया नॉन वोलेटाइल में कंसीडर होगा, जो जो कंपाउंड्स पूछे जाता है जिन पे न्यूमेरिकल आता है। जैसे ग्लूकोज पे बात होती है, जैसे सुक्रोज पे बात होती है, तो ये जनरली जो सब्सटेंस है वो नॉन वोलेटाइल कंसीडर किए जाते हैं, ये सॉलिड हैं और नॉन वोलेटाइल हैं। जैसे यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, जैसे ग्लूकोज है सब जानते ही हैं C6H12O6, और जो सुक्रोज है C12H22O11। तो ये इनके फॉर्मूले हैं, इनका मॉलिक्यूलर जो मोलर मास है वो भी देख लीजिए, इसका मोलर मास 60 ग्राम होता है, ग्लूकोज है 180 ग्राम और जो सुक्रोज है वो 342 ग्राम होता है। जनरली इन पे न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो आप इनको जनरली सीधा ही ध्यान रख सकते हैं। जबकि लिक्विड जो सब्सटेंस हैं जैसे हमारे पास अल्कोहल, एथिल अल्कोहल पूछा जाता है, जैसे हमारे पास डाइमिथाइल ईथर पूछा जाता है, जैसे हमारे पास है वो बेंजीन लिया जाता है, जैसे हमारे पास है वो वाटर लिया जाता है। तो ये हमारे लिक्विड हैं जो वोलेटाइल सब्सटेंस होते हैं, जबकि जो सॉलिड्स हैं जो नॉन वोलेटाइल है। तो सॉलिड्स की जो टेंडेंसी है वो इवेपोरेट होने की नहीं होती है, तो नो टेंडेंसी ऑफ
इवेपोरेशन, इनकी जो टेंडेंसी है वो वेपोराइज होने की नहीं होती है, जबकि इसीलिए जो इनकी टेंडेंसी है वो वेपोराइज होने की नहीं होती है, इसीलिए इनका जो वेपर प्रेशर है, इनका जो वेपर प्रेशर है वो जीरो माना जाता है, क्योंकि ये वोलेटाइल ही नहीं होते, वोलेटाइल ही नहीं है तो कोई वेपर नहीं बनाएंगे, और वेपर नहीं बनाएंगे तो इनका वेपर प्रेशर है वो जीरो होगा, जबकि जो वोलेटाइल सबस्टांस हैं ये इनकी टेंडेंसी वोलेटाइल होने की होती है, इसीलिए इनके वेपर प्रेशर को हम जीरो नहीं मानते। तो प्यारे बच्चों ये पहला फैक्टर था जो वेपर प्रेशर को किस तरह अफेक्ट करता है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। चलिए अगले जो फैक्टर है उसकी तरफ बढ़ते हैं। दूसरा जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। दूसरे जो फैक्टर है उसकी तरफ बढ़ते हैं वो है टेम्परेचर। तो देखिएगा जाहिर सी बात है आप समझ सकते हैं कि हम किसी भी वोलेटाइल सब्सटेंस को टेम्परेचर देंगे तो उसके जो मोलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और मोलिक्यूल्स हैं वो इवेपोरेट होने लगेंगे। मतलब टेम्परेचर देने के कारण किसी भी सब्सटेंस की जो वेपर प्रेशर है उसका वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाता है। तो देखिएगा जैसे ही हम किसी भी वोलेटाइल सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसका वेपर प्रेशर है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। मतलब जो टेम्परेचर और जो वेपर प्रेशर है उन दोनों में जो रिलेशन है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। अगर हम किसी भी सब्सटेंस, किसी भी वोलेटाइल सब्सटेंस को टेम्परेचर दे देंगे तो टेम्परेचर देने से उस जो सब्सटेंस है उसका जो वेपर प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम देखेंगे जो राउल्ट लॉ है, राउल्ट लॉ के प्रिंसिपल को देखेंगे। चलिए आप अपने घर हैं, सुरक्षित हैं और अच्छे से पढ़ाई करिए और अच्छे से नोट्स बनाइए। थैंक्स ऑल वॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।